अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रिंट पॉइंट। मेरा नाम है मोहम्मद अहसन। आज हम पढ़ेंगे पैटर्न फिल क्या होता है, उसे फोटोशॉप के अंदर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अक्सर आपने किसी भी डिज़ाइन के अंदर या फिर किसी फ्लेक्स वगैरह को, ब्रोशर वगैरह को आप देखें, तो इसके अंदर आपने एक रिपीट कमांड देखी होगी कि एक ही चीज़ रिपीटेडली आपको शो हो रही है। अगर आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देखें तो वहाँ पर भी आपको जो दायरे हैं वही रिपीटेडली शो हो रहे हैं, और इसके पीछे जो है वो ब्लैक और यहाँ पर येलो कलर की बैकग्राउंड है। तो ये किस तरह से रिपीटेडली हम इसको बना सकते हैं, पैटर्न को किस तरह से बना सकते हैं, ये तमाम डिटेल के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी पैटर्न को डिज़ाइन करने के लिए आपको न्यू लेयर स्क्वायर में लेनी पड़ती है, मतलब जो हर तरफ से बराबर हो। और उसके बाद अपने पैटर्न को या फिर अपने जो सब्जेक्ट है उसको चार पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। वो ज़रूरी नहीं कि एक दायरा ही हो, वो कोई भी शक्ल हो सकती है, वही आपने यूज़ करना है। किसी भी पैटर्न को आप उसके तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और अक्सर आप वॉलपेपर वगैरह देखते हैं नेट के ऊपर जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन काफ़ी लो होती है, आपने उसको हाई क्वालिटी पर प्रिंट करना होता है। तो उसको पहले तो ट्रेस किया जाता है। ट्रेस किस तरह से करते हैं उसकी भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कोरल ड्रॉ के अंदर भी और फोटोशॉप के अंदर भी। दोनों के अंदर हम पेन टूल या डिफरेंट टूल्स हैं उनको यूज़ करके इसको ट्रेस कर सकते हैं। और ट्रेस करने के बाद इसको पैटर्न में कन्वर्ट किस तरह से करना है वो आज की वीडियो में मैं बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। और इसके अलावा जो चीज़ें आप सीखना चाहें, मतलब पैटर्न के कलर को किस तरह से चेंज करते हैं या फिर जो पैटर्न के नीचे बैकग्राउंड कलर है उसको किस तरह से चेंज करते हैं, और पैटर्न को लेफ़्ट टू राइट किस तरह से मूव कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू को बढ़ाना या कम करना किस तरीके से है, वो तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जो पार्ट भी आपका फेवरेट है, जो आप सीखना चाह रहे हैं, तो उस पार्ट के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे वो सीख सकते हैं। सो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फोटोशॉप के अंदर सीमलेस पैटर्न क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर में न्यू फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू पर क्लिक करें और यहाँ से मैं 920x920 300 PPI पे न्यू पेज ले रहा हूँ। ये पिक्सल्स के अंदर मैं ले रहा हूँ, पिक्सल्स पर इंच, ओके, और 300 रेजोल्यूशन में रख रहा हूँ पिक्सल्स पर इंच के हिसाब से। RGB कलर्स में ले रहा हूँ। ये मैं 920 का पेज इसलिए लिया है ताकि इसकी जो क्वालिटी है रिज़ल्ट वो काफ़ी ज़रा अच्छा रहे। तो न्यू पेज लेने के बाद ये आपने याद रखना है कि जो भी आप पेज ले रहे हैं वो हमेशा स्क्वायर में हो। अगर आप 1280x1280 का भी ले रहे हैं या 1080x1080 का भी पेज ले रहे हैं, कोई भी सीमलेस पैटर्न क्रिएट करने के लिए पेज ले रहे हैं तो हमेशा स्क्वायर में होना चाहिए। तो ये काम करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करें और बी प्रेस करें। मैं चूँकि अपना पैटर्न क्रिएट करना चाह रहा हूँ, आप कोई इमेज भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई नेट से देख के किसको कॉपी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कॉपी। तो यहाँ पे मैं एक दायरा लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरह का एक दायरा आपके पास आता है जिसको आप सीमलेस पैटर्न में क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं इस दायरे के ऊपर क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको सेंट्रल और इक्वल कर देता हूँ। अभी हर तरह से सेंटर है इस पेज के। अब मुझे क्या करना है कि कंट्रोल आर प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो ये इस तरह से आपको रोलर्स नज़र आएंगे। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, कंट्रोल आर प्रेस से ही ये शो होंगे। यहाँ से इसको पकड़ कर ड्रैग करूँगा तो 960 पे आकर ये देखिए खुद ब खुद मेरा जो इसके साथ रोलर है स्नैप हो गया। मतलब यहाँ से आपको आपको इस कलर के साथ पता चल जाएगा कि हमारा जो रोलर है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज है। तो इस तरफ से भी मैं इसको ड्रैग करके बिल्कुल सेंटर में लेके आऊँगा। 960x960 के हिसाब से ये हर तरफ से सेंट्रलाइज है। अब ये मैंने इस अपने एक शेप को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो हमेशा आपने जब भी किसी भी पैटर्न को डिज़ाइन करना है तो इसको इसी तरीके से करना है कि इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो इस तरह से फोर पार्ट के अंदर इसको डिवाइड करने के बाद आपने यहाँ से रेक्टेंगुलर मर्की टूल लेना है और इस तरह से क्लिक और ड्रैग करके ये दोनों इसके साथ स्नैप हो चुके हैं। तो मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी ले रहा हूँ और कॉपी लेने के बाद इस कॉपी को उठा के मैं यहाँ से राइट बॉटम कॉर्नर में लेके आ रहा हूँ, ओके। मैं आल्ट प्रेस करके और शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और आल्ट प्रेस करके दोबारा से मैंने इसकी कॉपी ली, साथ में शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और इसको बिल्कुल टॉप पर लेके जा रहा हूँ। अब मैं दोबारा कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक करके इसको फ्लिप वर्टिकल कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने इसको ऊपर से नीचे की तरफ रोटेट करना है, ओके। तो ये हमारा जो पैटर्न है वो तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। तो
ये चीज़ आप याद रखें हमेशा, जो भी आपने इसका साइज़ चूज़ करना है सेंटर वाले एरिया का, वो पहले ही करना है। आप इसको बड़ा छोटा भी बाद में कर सकते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से ही इसकी तरतीब आएगी। अगर आप बराबर रखेंगे तो ये सीमलेस पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। तो आपने क्या करना है कि इन सभी लेयर्स को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट लेयर के ऊपर क्लिक करें शिफ्ट प्रेस करके, लास्ट लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो दरमियान वाली सारी लेयर्स इसके अंदर आ जाएंगी। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें, तो अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि एडिट के ऊपर क्लिक करें और पैटर्न के ऊपर चले जाएं। डिफाइन पैटर्न, डिफाइन ब्रश भी कर सकते हैं, लेकिन जो कि अब हमें इसके साइज़ को बड़ा छोटा भी करना पड़ सकता है, इसको डिफरेंट साइज़ पर प्रिंट भी करना पड़ सकता है, तो मैं डिफाइन पैटर्न ही करूँगा। इसकी वैल्यूज़ को भी बढ़ा सकते हैं आप डिफाइन पैटर्न करके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राउंड पैटर्न और इसको ओके पे क्लिक करके सेव कर देते हैं। मैं दोबारा से कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू पेज ले रहा हूँ जिसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो 4 इंचज़ बाय 6 इंचज़ का मैं यहाँ पे एक पेज ले रहा हूँ, इसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। ओके, क्रिएट न्यू करके मैंने ये पेज क्रिएट कर लिया है। यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करूँगा और ये इस बटन के ऊपर जाएंगे आप, तो थर्ड वन आपको पैटर्न वाला मिल जाएगा ऑप्शन। पैटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये स्केल है, मतलब इसकी वैल्यू को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको 6 पे रखूँगा, यहाँ पर यह काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है मुझे। स्नैप टू ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कर लें और ओके के ऊपर क्लिक कर लें। ओके, ये आपके सामने है पैटर्न जो कि बन के आ चुका है। हर तरफ से इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल बराबर है, ये बिल्कुल सीमलेस पैटर्न है। इसकी वैल्यू को आप कहीं भी इसको यानी कि मूव कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर डबल क्लिक करके तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, मुझे इतना ही चाहिए। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा। अब अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहें तो उसके लिए पहले तो मैं बैकग्राउंड का जो नीचे वाला कलर है उसको चेंज करता हूँ। यहाँ से मैं सॉलिड कलर ले रहा हूँ और तकरीबन डार्क रेड कलर है, जो मेहरून टाइप का कलर होता है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, अब मैं ऊपर वाली लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा जो सीमलेस पैटर्न है हमारा, और यहाँ से इस बटन के ऊपर जाने के बाद दोबारा मैं ह्यू एंड सेचुरेशन वाली लेयर लूँगा। और यहाँ पर ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है, जो बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इसके बिलो लेयर होगी, मतलब जो इसके नीचे वाली लेयर होगी, वो सिर्फ उसी के ऊपर ह्यू एंड सेचुरेशन अप्लाई करेगा। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि अब आप देखेंगे तो ये कलर देखें, सारा नीचे वाला कलर भी चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको वाइट के अंदर ले जाऊँ तो ये सारा नीचे वाला कलर भी वाइट हो चुका है, लेकिन अगर मैं लेयर के ऊपर जाकर ये देखें, इसके नीचे बिल्कुल पैटर्न वाली लेयर है। मैं ह्यू एंड सेचुरेशन को डबल क्लिक करने के बाद ये इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ पैटर्न के ऊपर अप्लाई हो रहा है, मतलब सिर्फ इस नीचे वाले लेयर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ओके, इसके कलर को हमने वाइट कर लिया है। इसके कलर को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दूं, आई थिंक ये 51 तक ठीक है, और इसको यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ इसके कलर को। सॉरी, ये मैंने कलराइज के ऊपर क्लिक नहीं किया, सबसे पहले आपने कलराइज के ऊपर क्लिक करना है। अब इसकी वैल्यू को बढ़ाएँ और यहाँ से इसकी वैल्यू को चेंज करते जाएं, तो ये साथ साथ चेंज होता जाएगा। ये देखिए, जिस तरफ भी आप इसको लेके जाएंगे, जिस कलर के ऊपर भी, इस कलर के हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं तो चूंकि इसको वाइट ही लेना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करके इसको वाइट के ऊपर ही ले आता हूँ। अब एक काम और आप इसके साथ कर सकते हैं, इसके अंदर कोई रैप वगैरह इसके ऊपर अप्लाई करके इसको बिल्कुल बैकग्राउंड की शक्ल लेके आ सकते हैं, या इसको जिस भी शेप में आप डालना चाहें। बहुत से डिज़ाइन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए या फिर और बहुत से काम करने के लिए। अब मैं आपको इसके साथ एक सिंपल सी बैकग्राउंड क्रिएट करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से वो कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि ह्यू एंड सेचुरेशन वाली लेयर, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके ये जो पैटर्न फिल वाली लेयर है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें। तो ये लेयर जो है ऊपर वाली हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये देखें, इसकी वैल्यू यहाँ तक ही चेंज होंगी। अब आपको क्या करना है कि कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे या रैप के ऊपर क्लिक करें। रैप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस तरह से मैं इसको पकड़ के कॉर्नर से ड्रैग कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू को कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सीधी रहे, और इधर से भी मैं इसको आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ और यहाँ से भी इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा सीमलेस पैटर्न हमारे पास तैयार होकर आया है। अब इसके अंदर कोई भी आप इमेज अप्लाई करके देख सकते हैं, यहाँ पे कोई इमेज प्लेस कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट देगी, वो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, डॉग PNG लिखकर ये वाली इमेज ड्रॉ की है, तो इसकी इमेज को मैं यहाँ पर प्लेस करके आपको दिखाता हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त सा इफेक्ट हमारे पास देगी, मतलब कितनी ज़बरदस्त बैकग्राउंड ये लगेगी इसके ऊपर, क्योंकि दोनों का कलर जो है काफ़ी मैच कर रहा है आपस में। तो इसको सेलेक्ट करके मैं बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज कर लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रलाइज करने के बाद इसको मैं नीचे ले जाता हूँ और इसके नीचे हम कोई शैडो वगैरह प्लेस करते हैं। Ctrl+T प्रेस करके इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर इसकी वैल्यू बिल्कुल सही लग रही है। तो इस जगह इसको प्लेस करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसके नीचे शैडो को प्लेस करना है। तो न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं ब्रश टूल के ऊपर जाऊँगा दोबारा से वापस, और इस दफ़ा मुझे जो है ब्रश टूल चाहिए वो थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए, तो मैं सॉफ्ट राउंड ब्रश टूल के ऊपर क्लिक करूँगा और इस तरह से ब्लैक एंड वाइट फोरग्राउंड लेके तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं दोबारा Ctrl+T प्रेस करके ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, तो इस तरह से इसकी शेडो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ तक उसकी वैल्यू मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है। अब मैं इसको पकड़ कर तो नीचे ले आऊँगा यहाँ पर। ओके, अब हमें क्या करना है, कंट्रोल यहाँ से न्यू लेयर एक और लेनी है और इसकी वैल्यू को मैं कम कर लेता हूँ फ्लो की वैल्यू की, क्योंकि मैंने इसका शेडो क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अब इस डॉग की तस्वीर से पीछे अगर हम थोड़ा सा ब्लर ऐड कर दें तो थोड़ा सा और ये अच्छी फील देने लग जाएगा। तो बी श्योर के जो डॉग वाली लेयर है उसको हमने सेलेक्ट कर लिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद इसके जो नीचे शेडो वाली लेयर है वो भी हम ले लेते हैं। तो इस लेयर को उठा कर मैं ऊपर ले जाता हूँ और इन दोनों लेयर्स को छोड़कर जो नीचे वाली हमारी ह्यू एंड सैचुरेशन के साथ पैटर्न वाली लेयर है इसके ऊपर हमें ब्लर चाहिए थोड़ा सा। तो फिल्टर के अंदर जाकर ब्लर गैलरी के ऊपर जाएंगे और टिल्ट शिफ्ट ब्लर के ऊपर क्लिक करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ से ड्रैग करके बिल्कुल नीचे लेके आ रहा हूँ मैं। यस, लुक एट दिस फील, मतलब ये बहुत ही अच्छी फील दे रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे ब्लर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू इसकी काफ़ी ठीक लग रही है। ओके के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इफ़ेक्ट हमारे पास बन के आ चुका है। अब इसके अंदर हम मज़ीद एक छोटा सा काम और करेंगे, ये जो पैटर्न वाली लेयर है इसके ऊपर हम एक ब्लर और अप्लाई करेंगे। फिल्टर के अंदर जाकर मैं इस मरतबा ब्लर के ऊपर जाके और यहाँ पे गॉशियन ब्लर के ऊपर क्लिक करूँगा। गॉशियन ब्लर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसकी वैल्यू को कम कर दूँगा। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, या यहाँ पर इसको जूम इन करके देख लें कि किस तरह की लुक आ रही है। तो इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा कम ही रखूँगा, जस्ट इसके अंदर इफ़ेक्ट को हम ऐड करना चाह रहे थे, ओवरऑल इफेक्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पे आई थिंक ये 5.2 पे मैं इसको रख रहा हूँ। तो इसके अंदर कुछ मज़ीद एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद और कोई कलर स्कीम को देखने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट मेरे पास आया है वो ये वाला है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इफ़ेक्ट हमारे पास बन के आया है, कितनी ज़्यादा कलर स्कीम इसके साथ मैच कर रही है, कितना रियल लग रहा है ये बिल्कुल हर लिहाज से। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, शुक्रिया।